सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे स्रोतियां नूं जी आयां नूं जी। आई माड़ी खबर, हुणे हुणे केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बारे कर दिता है वड्डा ऐलान। आई वड्डी खबर, खबर नूं शुरू करन तों पहलां जिन्हां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर लैन, ते वीडियो नूं वध तों वध लाइक एंड शेयर भी कर देना, ते नाल ही जिन्हां ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन च दिता होया है, तुसीं उत्थे जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर लैना। देश अंदर कोरोना कारण स्थिति होर भयानक हुंदी नज़र आ रही है। देश अंदर जिथे कोरोना टैसट ते टीकाकरण की समर्था वधा दिती गई है उत्थे कोरोना केसां विच कमी हुंदी नज़र आ रही है। बहुत सारे सूबे विच कोरोना की लहर पहलां दे मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, जो केंद्र सरकार लिए चिंता का विषय बनया हुआ है। देश के हालातों को मद्देनजर रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों सूबे के मुख्यमंत्रियों नाल कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस राही कोरोना के मामलों को लेकर विचार किया जाता है, जिस नाल स्थिति नूं काबू करन बारे कोई हल कढ़िया जावे। हुण केंद्र सरकार दे लॉकडाउन बारे कीता ऐलान। केंद्र सरकार वल्लों सारे सूबिआं नूं कोरोना नूं देखदे होए सख्ता हिदायतां जारी कीते गए, ते वधेरे प्रभावित होण वाले सूबिआं ते जिलिआं विच सख्ती वधाउंदे आदेश भी लागू कीते गए, जिस सदका फिर कोरोना दे प्रसार नूं रोकिआ जा सके। देश विच कोरोना इन्फैक्शन ने हुण तक दे सारे रिकॉर्ड तोड़ दित्ते ने। पिछले 24 घंटिआं च 2,77,810 नवे केस आए, ते 1,619 इनफेक्टिव लोगों की जान चली गई। हालांकि 1,44,178 लोग कोरोना नाल ठीक भी हो गए ने। इस तो पहला शनिवार को 2,68,509 केस सामने आए। 24 घंटे के अंकड़े देखने पिछों केंद्र सरकार वालों सब सूबे अपने हिसाब नाल तालाबंदी करने के आदेश दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों जारी किए गए देशों के मुताबिक हर राज अपने सूबे में पाबंदियां लगा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वालों आख्या गया है कि हर राज को पाबंदियां लगाने ते तालाबंदी करने की छोड़ दी गई है, इसलिए हम देश में नहीं सगो वक्ख-वक्ख सूबों के हालातों के अनुसार ही तालाबंदी ते पाबंदियां लगाईआं जाणगीआं। जिते बहुत सारे राज्यों में रात का करफ्यू ते मिनी लॉकडाउन लगा दिता है, उस तो बाद भी स्थिति काबू होती नज़र नहीं आ रही। एक बार फिर तो स्थिति पिछले वर्गी होंदी जा रही है, जिते रोजाना की तरह 2,00,000 तो वध के सामने आ रहे हैं। खबर को अंत तक देखने